बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है 8 डिजिट काउंटर विद 7 सेगमेंट डिस्प्ले मॉड्यूल MAX7219। चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की फाइल है, इसको अपने प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने अर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद 3 पुश बटन यूज़ किए हुए हैं, इसके बाद एक बजर यूज़ की हुई है, इसके बाद एक MAX7219 शिफ्ट रजिस्टर IC यूज़ किया हुआ है। इसके थ्रू हम कॉमन कैथोड 8 डिजिट मल्टीप्लेक्स 7 सेगमेंट डिस्प्ले रन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 8 डिजिट मल्टीप्लेक्स 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ किए हुए हैं। चलिए अब सिमुलेशन रन करने के लिए अर्डिनो का कोड ओपन करके एक्सवेल जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने अर्डिनो ID पे ओपन कर लेना है। कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से अपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है। तो यहाँ से अपने बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है अर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड को कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग, कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से अपने एक्सवेल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद आपने सिमुलेशन में जाना है। यहाँ से अपने अर्डिनो को क्लिक करना है और एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और फाइल यहाँ से रन कर लेनी है। जैसे हम फाइल को रन करते हैं तो फर्स्ट टाइम 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे काउंटर की वैल्यू 00 राइट हो गई हुई है। अब हम जैसे ही यहाँ से अप का बटन प्रेस करेंगे तो अप करने पे ये 11 वैल्यू प्लस होती जाएगी। और इसी तरह ही जैसे ही ये वैल्यू 9 से ओवर जाएगी तो फर्स्ट वाला डिजिट 0 हो जाएगा और नेक्स्ट डिजिट पे 1 वैल्यू ऐड हो जाएगी। इसी तरह ही जैसे ही सेकंड डिजिट की वैल्यू 9 से ओवर जाएगी तो सेकंड डिजिट 0 हो जाएगा और थर्ड डिजिट में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। अब इसी तरह ही हम डाउन का बटन प्रेस करते हैं। अब जैसे ही फर्स्ट डिजिट की वैल्यू 0 से ड्रॉप होती है तो इसने सेकंड डिजिट की वैल्यू में से एक वैल्यू माइनस कर देनी है और फर्स्ट डिजिट की वैल्यू 9 के इक्वल कर देनी है। इसी तरह ही अगर हम मज़ीद डाउन का बटन प्रेस करते हैं 8 सेगमेंट पे 99 राइट हो जाएगा, क्योंकि इसने सबसे पहले 1 वाली वैल्यू को माइनस करना है और जैसे ही ये वैल्यू 0 से ड्रॉप होगी तो इसने सेकंड वाली वैल्यू में से एक वैल्यू माइनस करनी है और ये भी 0 से ड्रॉप हो जाएगी। इसी तरह ही 8 सेगमेंट हमारे 0 से ड्रॉप हो जाएंगे और जैसे ही ये 0 से ड्रॉप होंगे तो सारी वैल्यू हमारी 9 के इक्वल हो जाएंगी। तो जैसे ही हमने डाउन का बटन प्रेस किया है तो 8 सेगमेंट पे काउंटर की वैल्यू 99 होगी हुई है। अब इसी तरह जैसे हम मज़ीद डाउन का बटन प्रेस करते जाएंगे तो फर्स्ट डिजिट की वैल्यू माइनस होती जाएगी और जैसे ही ये वैल्यू 0 से ड्रॉप होगी तो इसने सेकंड वाले डिजिट से एक वैल्यू माइनस कर देनी है और फर्स्ट वाले डिजिट को 9 के इक्वल कर देना है। अब इसी तरह ये काउंटर हम अगर माइनस करते जाएंगे तो वैल्यू हमारी 1/1 माइनस होती जाएगी और यहाँ से हम आपका बटन प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू यहीं से प्लस होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम EEPROM टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम फाइल को स्टॉप कर देते हैं। तो अब हम फाइल यहाँ से रन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम फाइल रन करते हैं तो EEPROM में जो वैल्यू स्टोर हुई हुई थी वो हमें डिस्प्ले हो गई हुई है। तो अगर हम मज़ीद इसी तरह ही काउंटर को प्लस या माइनस करना चाहते हैं तो यहाँ से हम अप डाउन करके काउंटर को प्लस माइनस कर सकते हैं। और अगर हमने इस वैल्यू को 0 करना होगा तो उस कंडीशन के ऊपर हम रीसेट के बटन को 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे और तब ये वैल्यू हमारी रीसेट हो जाएगी। तो ये थी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है, इसके बाद अर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद 3 पुश बटन यूज़ किए हुए हैं, इसके बाद एक बजर यूज़ की हुई है, इसके बाद 8 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है MAX7219। ये थी मेरी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइंट कर लेते हैं।
वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा कोड है, इसमें सबसे पहले हमने EEPROM की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। EEPROM कंट्रोलर की ऐसी मेमोरी होती है जिसको कंट्रोलर खुद से रीड राइट कर सकता है। EEPROM हमने काउंटर की वैल्यू स्टोर रखने के लिए यूज़ की हुई है। इस कोड के थ्रू हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले मॉड्यूल को विदाउट लाइब्रेरी रन कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने 3 पुश बटन की पिन इनिशियलाइज की हुई है, A0, A1, A2। इसके बाद बजर की पिन इनिशियलाइज की हुई है 13, और यहाँ पर हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले मॉड्यूल को रन करने के लिए 3 पिन इनिशियलाइज की हुई हैं। क्लॉक के लिए 2 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद चिप सेलेक्ट की पिन 3 इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद डाटा इन की पिन 4 इनिशियलाइज की हुई है। MAX7219 मॉड्यूल SPI प्रोटोकॉल से रन हो रहा होता है। यहाँ पर हमने SPI की इंटरनल पिनें यूज़ करने की बजाय एक्सटर्नल पिनें खुद से इनिशियलाइज की हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने D1 से लेकर D8 तक 8 वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई हैं, जो कि डिजिट 1 से डिजिट 8 की वैल्यू काउंट करने के लिए यूज़ हो रही हैं। इसके बाद फ्लैग 1 और फ्लैग 2 की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद टाइमर की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। यहाँ पर अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले हमने पुश बटन की पिनें इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं, बजर की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है, और इसके साथ ही 7 सेगमेंट डिस्प्ले मॉड्यूल के लिए 3 पिनें आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं, और क्लॉक की पिन पे हमने हाई राइट करवाया हुआ है। इसके बाद 200 मिलीसेकंड का डिले है। साथ ही हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले मॉड्यूल को रन करने के लिए शिफ्ट के फंक्शन के अंदर कमांडें कॉल करवाई हुई हैं। यहाँ पर हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले मॉड्यूल को रन करने के लिए शिफ्ट के फंक्शन के अंदर एड्रेस और ये कमांडें कॉल करवा रहे हैं। तो इन कमांडों में हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले की क्वांटिटी बता रहे होते हैं, जो कि हमने 0 से 7 डिजिट यूज़ किए हुए हैं। इसके बाद ब्राइटनेस सेट कर रहे होते हैं, और इसके साथ ही डाटा डिकोड करने की कमांड दे रहे होते हैं। जैसा कि हमने MX7219A की मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है, तो उस कंडीशन के ऊपर हमारे 8 डिजिट ही बनते हैं। तो हमने ये सेटअप 8 डिजिट के मुताबिक किया हुआ है। अगर आपने 2 मॉड्यूल या 3 मॉड्यूल यूज़ करने होंगे, तो उस कंडीशन के ऊपर आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले मॉड्यूल की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। और इसके साथ ही हम EEPROM का 0 एड्रेस रीड कर रहे हैं। अगर 0 एड्रेस पे डाटा 0 स्टोर हुआ हुआ है, तो उस कंडीशन के ऊपर इसने कुछ भी नहीं करना है। अगर ये डाटा 0 के अलावा है, तो उस कंडीशन के ऊपर इसने else में जाना है। और यहाँ पर हमने राइट EEPROM का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है, और साथ ही EEPROM के एड्रेस 0 पे 0 की वैल्यू स्टोर की हुई है। फर्स्ट टाइम Arduino की EEPROM में डाटा 255 स्टोर हुआ होता है, तो उस डाटे को 0 करने के लिए हम यहाँ पर 0 का एड्रेस रीड कर रहे होते हैं। जैसा कि 0 एड्रेस पे भी डाटा 255 होता है, तो उस कंडीशन के ऊपर हम एल्स में जाते हैं फर्स्ट टाइम। तो एल्स में हम राइट EEPROM का फंक्शन कॉल करवा देते हैं, जो हमने ऊपर काउंटर के लिए वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है 1 से लेके 8 तक, जिनको हमने 0 के इक्वल रखा हुआ है। तो उस कंडीशन के ऊपर फर्स्ट टाइम EEPROM में ये वैल्यू 00 स्टोर हो जाती है, और साथ ही EEPROM के 0 एड्रेस पे भी 0 राइट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी हम कंट्रोलर को स्टार्ट करेंगे, तो EEPROM के एड्रेस 0 पे 0 राइट हुआ होगा, तो उस कंडीशन के ऊपर ये दोबारा से इस फंक्शन को कॉल नहीं करवाएगा। और जो ऑफ होने से पहले EEPROM में वैल्यू स्टोर हुई होगी, वही वाली वैल्यू हम रीड EEPROM का फंक्शन कॉल करवा के वहां से हम वो वैल्यू अपडेट कर लेंगे। इसके बाद हम अवॉइड लूप में चले जाते हैं। अवॉइड लूप में सबसे पहले आपका बटन डिजिटल रीड हो रहा है, जैसे ही हम बटन को क्लिक करते हैं तो वो 0 के इक्वल हो जाता है। तो उस कंडीशन के ऊपर हम आपके बटन के अंदर हम फ्लैग 1 की वेरिएबल को चेक कर रहे होते हैं। अगर फ्लैग 1 की वेरिएबल 0 के इक्वल है, तो उस कंडीशन के ऊपर इसने इस फंक्शन में जाना है। और यहाँ पर हमने फ्लैग 1 की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर दिया हुआ है, और साथ ही हम D1 यानी कि डिजिट 1 की वेरिएबल में एक वैल्यू प्लस कर देते हैं। और जैसे ही डिजिट 1 की वैल्यू 9 से ओवर जाती है, तो उस कंडीशन के ऊपर हमने डिजिट 1 की वैल्यू को 0 कर देना है, और डिजिट 2 की वेरिएबल में एक वैल्यू ऐड कर देनी है। इसी तरह ही जैसे ही डिजिट 2 की वेरिएबल 9 से ओवर जाएगी, तो डिजिट 2 की वेरिएबल को हमने 0 किया हुआ है, और डिजिट 3 की वेरिएबल में एक वैल्यू ऐड की हुई है। इसी तरह ही 1 से 8 तक कोई भी वेरिएबल अगर 9 से ओवर जाती है, तो उस कंडीशन के ऊपर उस वेरिएबल को हमने 0 किया हुआ है, और उससे अगली वेरिएबल में हमने एक वैल्यू ऐड की हुई है। और साथ ही हम राइट EEPROM का फंक्शन कॉल करवा रहे होते हैं, तो जहां पर EEPROM के अंदर हम ये वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं, ताकि लाइट जाने पे काउंटर हमारा 0 ना हो। और साथ ही else के अंदर हमने फ्लैग की वेरिएबल को 0 किया हुआ है। फ्लैग की वेरिएबल को हमने 1 टाइम प्रेस करने पे 1 वैल्यू ही आ जाए, उस चीज़ के लिए यूज़ किया हुआ है। यानी कि अगर हमने आपका बटन प्रेस किया है, तो उस कंडीशन के ऊपर फ्लैग 1 की वेरिएबल 0 की इक्वल होती है, और जैसे ही हम काउंटर में एक वैल्यू ऐड कर लेते हैं, तो फ्लैग की वेरिएबल भी 1 की इक्वल हो जाती है। अब जब तक हम आपका बटन अनक्लिक करके दोबारा क्लिक नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन के ऊपर फ्लैग 1 की वेरिएबल 1 की इक्वल ही रहती है, और काउंटर की वैल्यू प्लस नहीं होती तब तक जब तक हम आपके बटन को अनक्लिक नहीं करते हैं। जैसे हम आपके बटन को अनक्लिक करते हैं, तो ये else में जाता है, और यहाँ पर हमने फ्लैग 1 की वेरिएबल को 0 किया हुआ है।
इसी तरह ही डाउन के बटन को डिजिटल रीड किया हुआ है। जैसे ही डाउन का बटन जीरो के इक्वल होता है तो यहाँ पर हमने फ्लैग टू की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर फ्लैग टू की वेरिएबल जीरो के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने फ्लैग टू की वेरिएबल को वन के इक्वल कर देना है और साथ ही डी वन की वेरिएबल में से एक वैल्यू माइनस कर देनी है। और साथ ही हमने डी वन की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है, अगर डी वन की वेरिएबल जीरो से ड्रॉप होती है तो डी वन की वेरिएबल को हमने नाइन के इक्वल किया हुआ है और डी टू की वेरिएबल में से एक वैल्यू माइनस की हुई है। अब इसी तरह जैसे ही डी टू की वेरिएबल जीरो से ड्रॉप होगी तो डी टू की वेरिएबल को हमने नाइन के इक्वल किया हुआ है और D3 की वेरिएबल में से एक वैल्यू माइनस की हुई है। इसी तरह ही 1 से लेके 9 तक अगर कोई भी वेरिएबल 0 से ड्रॉप होती है तो उस कंडीशन के ऊपर उस वेरिएबल को हमने 9 के इक्वल किया हुआ है तो उससे अप वाली वेरिएबल में से हमने एक वैल्यू माइनस की हुई है। और साथ ही हमने राइट ईप्रोम का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है जहाँ पर हम ईप्रोम के फंक्शन के अंदर ये डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। और साथ ही हमने एल्स के अंदर फ्लैग टू की वेरिएबल को जीरो के इक्वल किया हुआ है। जैसे हमने फ्लैग वन की वेरिएबल को वन पुश पे वन वैल्यू ऐड होने के लिए यूज किया था, इसी तरह ही फ्लैग टू की वेरिएबल को हमने वन पुश पे वन वैल्यू माइनस होने के लिए यूज किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने रीसेट के बटन को डिजिटल रीड किया हुआ है। जैसे ही रीसेट का बटन जीरो के इक्वल होता है तो यहाँ पर हमने बजर की पिन हाई की हुई है और साथ ही हमने टाइमर की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर टाइमर की वेरिएबल 200 से ड्रॉप है तो इसने टाइमर की वेरिएबल को प्लस करते जाना है। जैसे ही टाइमर की वेरिएबल 200 की इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने डिजिट 1 से लेके डिजिट 8 तक की वेरिएबल्स को 0 के इक्वल कर देना है और साथ ही राइट ईप्रोम का फंक्शन कॉल करवा देना है। तो वहाँ से ईप्रोम के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, काउंटर हमारा रीसेट हो जाएगा, यानी कि सारी वैल्यू हमारी 0-0 हो जाएंगी। टाइमर की वेरिएबल को टाइम काउंट करने के लिए यूज किया हुआ है। लूप के एंड पे हमने 10 मिलीसेकंड का डिले दिया हुआ है तो हर 10 मिलीसेकंड के डिले पे ये वैल्यू प्लस होती जा रही होती है और जैसे ही 200 के इक्वल होती है तो काउंटर हमारा रीसेट हो जाता है। अगर 200 से पहले हम रीसेट के बटन को ऑन क्लिक कर देते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है। तो यहाँ पर हमने बजर की पिन पे लो राइट करवाया हुआ है तो बजर ऑफ हो जाएगी और साथ ही हमने टाइमर की वेरिएबल को जीरो किया हुआ है, यानी कि रीसेट का बटन अगर गलती से प्रेस हुआ है तो वैल्यू हमारी लॉस ना हो। उस कंडीशन के ऊपर हमने टाइमर ऐड किया हुआ है कि अगर हमने वैल्यू को रीसेट करना होगा तो रीसेट के बटन को 10 सेकंड के लिए हम होल्ड करके रखेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमने शिफ्ट के फंक्शन के अंदर डिस्प्ले का एड्रेस और साथ ही काउंटर की वेरिएबल कॉल करवाई हुई है, यानी कि डिजिट 1 पे हम डी 1 की वेरिएबल डिस्प्ले करवा रहे हैं, डिजिट 2 पे हम डी 2 की वेरिएबल डिस्प्ले करवा रहे हैं, डिजिट 3 पे हम डी 3 की वेरिएबल डिस्प्ले करवा रहे हैं, इसी तरह डिजिट 4 पे हम डी 4 की वेरिएबल डिस्प्ले करवा रहे हैं, डिजिट 5 पे हम डी 5 की वेरिएबल डिस्प्ले करवा रहे हैं, डिजिट 6 पे हम डी 6 की वेरिएबल डिस्प्ले करवा रहे हैं, डिजिट 7 पे हम डी 7 की वेरिएबल डिस्प्ले करवा रहे हैं, डिजिट 8 पे हम D8 की वेरिएबल डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इन वेरिएबल्स के अंदर जो भी चेंजिंग होती है 0 से 9 तक वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले मॉड्यूल पे डिस्प्ले हो जाती है और साथ ही हमने 10 मिलीसेकंड का डिले दिया हुआ है। 10 मिलीसेकंड डिले के हिसाब से ये लूप रन हो रहा होता है और यहाँ पर रीड ईप्रोम का फंक्शन है तो यहाँ पर हम एड्रेस 1 से D1 की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, एड्रेस 2 से D2 की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, एड्रेस 3 से D3 की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, एड्रेस 4 से D4 की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, एड्रेस 5 से D5 की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, एड्रेस 6 से D6 की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, एड्रेस 7 से D7 की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, एड्रेस 8 से D8 की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं। ईप्रोम के एक एड्रेस पे हम मैक्सिमम 8 बिट का डाटा स्टोर कर सकते हैं जो कि 255 वैल्यू बनती है और 255 से ऊपर अगर वेरिएबल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर ईप्रोम में स्टोर नहीं होगी। तो इसीलिए हमने 8 डिजिट के लिए 8 वेरिएबल्स यूज़ की हुई हैं 0 से 9 तक जो कि आसानी से ईप्रोम में स्टोर हो सके और साथ ही 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे भी आसानी से डिस्प्ले हो सके। और इसके साथ ही राइट ईप्रोम का फंक्शन है तो यहाँ पर हम डाटा ईप्रोम में स्टोर कर रहे हैं, ईप्रोम के एड्रेस 1 पे डी 1 की वेरिएबल राइट करवा रहे होते हैं, एड्रेस 2 पे डी 2 की वेरिएबल राइट करवा रहे होते हैं, एड्रेस 3 पे D3 की वेरिएबल राइट करवा रहे होते हैं, एड्रेस 4 पे D4 की वेरिएबल राइट करवा रहे होते हैं, एड्रेस 5 पे D5 की वेरिएबल राइट करवा रहे होते हैं, एड्रेस 6 पे D6 की वेरिएबल राइट करवा रहे होते हैं, एड्रेस 7 पे D7 की वेरिएबल राइट करवा रहे होते हैं, एड्रेस 8 पे D8 की वेरिएबल राइट करवा रहे होते हैं। जब भी वेरिएबल्स में कोई चेंजिंग होती है तो साथ ही हम राइट ईप्रोम का फंक्शन कॉल करवा देते हैं तो यहाँ पर हम इन वेरिएबल्स को ईप्रोम के अलग अलग एड्रेस के ऊपर राइट करवा देते हैं। इसके बाद शिफ्ट का फंक्शन है तो यहाँ पर हम टू वेरिएबल्स रीड कर रहे हैं, एड्रेस और डाटा। तो इस फंक्शन के अंदर हम चिप सेलेक्ट की पिन पे लो राइड करवा रहे होते हैं जो कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले मॉड्यूल पे डाटा राइड करवाने के लिए अनेबल के तौर पे यूज़ हो रही होती है और साथ ही हम डाटा इन और क्लॉक की पिन पे एड्रेस राइड करवाते हैं और इसके साथ ही डाटा इन और क्लॉक की पिन पे डाटा राइड करवा देते हैं और इसके साथ ही चिप सेलेक्ट की पिन को
हाई कर देते हैं, यानी कि एक दफ़ा डाटा राइट होने के बाद चिप सेलेक्ट की पिन को हाई कर देते हैं जो कि डिसेबल का काम कर रही होती है। तो ये था हमारा कोड, चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है। तो यहाँ से आपने बोर्ड कन्फर्म करना है आर्डिनो यूनो, बोर्ड कन्फर्म करने के बाद पोर्ट में जाना है और यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग, कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।